श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक विधान बताऊंगा आप लोगों को जो कि वैदिक विधान है धन प्राप्ति के लिए। तो जो सनातन धर्म था उसमें तो हर चीज का उपाय बताया हुआ था, ये बताया हुआ था कि आपको जीवन में जो भी चाहिए उसको आप कैसे प्राप्त करते हैं। कालांतर में वो विधान हम भूलते चले गए और कीप इट सिंपल करने के चक्कर में, बहुत सिंप्लिसिटी में अपने रिलीजन को हम लोग लेकर के आ गए। इसमें ये हुआ कि जो मूलभूत विधान था वो भी हम लोग भूलते चले गए। तो ये जो साधना है, इस साधना में आप लोगों को छोटी छोटी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले आपको एक आवश्यकता पड़ेगी एक कलश की, मिट्टी का कलश ढक्कन के साथ, ठीक है। आपको आवश्यकता पड़ेगा एक लाल कपड़े का, उस कलश को बांधने के लिए, ढक्कन पे रखने के लिए आपके पास होना चाहिए कच्चा चावल, ठीक है। अंदर जल भरेंगे और गंगा जल भरेंगे, तो जो गंगा जल होगा उसको हम पहले डालेंगे कलश में और उसमें फिर जल भरेंगे। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? क्योंकि गंगा, माँ गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें हर जगह का जल आकर के मिलता है, गंगा किसी भी जल में जाके नहीं मिलती हैं। इसीलिए कलश को शुद्ध करने के लिए हम पहले उसमें थोड़ा गंगा जल डालेंगे, फिर उसको गंगा जल के ऊपर पानी डाल करके उसको पूरा भरेंगे। उसमें एक पान का पत्ता, एक सुपारी, एक सिक्का, ये तीन चीज़ दे करके ढक्कन बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कलश तैयार हो गया। उसके बाद एक बरजोत लेंगे या फिर एक छोटी चौकी लेंगे, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएंगे, ठीक है। और लाल कपड़े पर पीला और लाल चावल हम लोगों को रंग के रखना है, ठीक है। और उससे अष्ट दल बनाना है। तो जो लाल रंग का चावल रहेगा उससे अष्ट दल बना करके उसमें पीला रंग भरना है, और उसके बगल में एक पीले रंग से शून्य बनाना है, और उसके बीच में लाल चावल रखना है, ठीक है। तो लाल अष्ट दल में पीला चावल, और पीला जो आप शून्य बनाएंगे उसके बीच में लाल चावल आप भरेंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था हो गई जहाँ पर स्थापना होगी। स्थापना किस चीज़ की होगी? स्थापना करने के लिए अंगूठे भर का पीतल का या चांदी का माँ लक्ष्मी और गणपति का विग्रह रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो शून्य बनाया उस पे कलश रखेंगे और उस कलश के ऊपर गणपति को रखेंगे, ठीक है। और जो अष्ट दल बनाया है उस पे हम लक्ष्मी माता को विराजमान कराएंगे, ठीक है। ये जो व्यवस्था है ये 11 दिनों तक रहेगी, और 11 दिन तक भगवती की हम इस रूप में पूजा करेंगे। इसके बाद अगला क्या आता है? इसके बाद आता है पांच दिया, पांच दीपक मिट्टी का बना हुआ, अगर हो तो उत्तम है। दूसरे श्रेणी में आता है पत्थर का बना दीपक, वो भी मिल जाए तो उत्तम है। अगर वो ना मिले तो जो सबसे सहज है वो है पीतल का दीपक, वो पांच दीपक घी में डाल के आप वहां पर सजाएंगे, ठीक। पुष्प इतना जरूर होना चाहिए कि दीपक के चारों तरफ आप जो है पुष्प से मतलब सजा सकें। भगवती को भी जब आप पुष्प अर्पण करते हैं तो उसको भगवती के विग्रह पे ना रख के आपको रखना होगा दीपक के पास, इन पांच दीपकों के पास। इसके अलावा धूप, गंध, नवेद, ये आप जितना चढ़ा सके उतना बढ़िया रहेगा। ये जो विग्रह दोनों लाएंगे, इन दोनों विग्रह को अच्छे से धो लेंगे पहले गंगा जल में, उसके बाद स्थापित करेंगे। जो दोनों है दोनों में रोली, सिंदूर भी नहीं, कुमकुम भी नहीं, चंदन भी नहीं, दोनों विग्रह में रोली लगाएंगे। उसके बाद इनको वस्त्र अर्पण करेंगे, जिस साइज़ का भी आप ये विग्रह खरीदेंगे उस साइज़ का वस्त्र आप इनको पहनाएंगे, आभूषण पहनाएंगे। आजकल तो डुप्लीकेट आभूषण आता है, असली भी पहनाएंगे तो आप ही के घर में रहेगा, तो आभूषण अर्पण करेंगे।
ये सब विधान करने के बाद दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे, उसका जो पंच पूजा का पंचोपकार पूजा का जो नियम है उसके हिसाब से धूप दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे, उसके बाद नवेद लगाएंगे, है ना, गंध देंगे और उसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। तो पूजा जब आरंभ करेंगे तो पहला मंत्र जो होता है इसमें वो है लक्ष्मी गायत्री मंत्र। तो भगवती गायत्री के ऊपर अपना राइट हैंड का हथेली ऐसे रखना है कि आप अपने उंगली पर गणना भी कर सकें और उसके साथ भगवती का जो विग्रह है वो ढका भी रहे, ठीक है। तो मतलब मान के चले कि आपके हथेली के ठीक नीचे भगवती होगी। तो ऐस ऊपर हाथ रख करके मंत्र बोलेंगे, ओम नमः भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसका 24 बार जाप करेंगे। ओम नमः भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ठीक है। ये रोज शुरुआत में हम 24 बार इसका जाप करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे मंत्र का जाप करेंगे। ये दूसरा मंत्र जो होगा ये गणपति और लक्ष्मी दोनों के ध्यान के लिए होगा। तो 108 बार हम लोग जाप करेंगे गणपति को देख के। देखिए गणपति क्योंकि पीतल के हैं तो वो ऐसे भी स्वर्ण वर्ण के होंगे और हमें ध्यान भी स्वर्ण रंग के गणपति का करना है, गणेश का करना है। तो 108 बार फिर हम जाप करेंगे, ओम लक्ष्मी गणपतये नमः। क्या? ओम लक्ष्मी गणपतये नमः, ठीक है। अच्छा, जो साधकों के मन में विचार रहता है कि इसमें क्या दिशा दशा रहेगा, क्या वस्त्र रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दिशा जो आपके पूजा का दिशा है घर में अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ईशान कोण की तरफ मुख करके आप इस विधान को कर सकते हैं। जब आप वस्त्र पहनते हैं तो आप बिना सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं और जो आपका आसन होगा वो हमेशा कम्बल का होगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका है करने का। भोजन में आप अघोर साधनाओं की तरह मांसाहार का भक्षण नहीं कर सकते हैं, आपको सात्विक रहना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे बार हम लोगों ने जाप कर लिया 108 बार ओम लक्ष्मी गणपतये नमः का। उसके बाद मूल मंत्र का जाप होगा, कम से कम 108 बार इसका बोला जाता है और एक अच्छे साधक जो होते हैं वो कम से कम 5 माला इस मंत्र का रोज करते हैं 11 दिनों की साधना में, ठीक है। तो क्या होगा मंत्र? जो मूल मंत्र है उसका जब जाप शुरू होगा तो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मीर आगच्छ आगच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। क्या? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मीरः आगच्छ आगच्छ मम मंदिरः तिष्ठतः तिष्ठतः स्वाहा, ठीक है। और ऐसा 11 दिन करने से भगवती आपके मंदिर में स्थापित हो जाएगी। उसके बाद हर रोज पूजा करना है भगवती का, उनको फिर आप उठा करके एक अच्छे जगह पे मंदिर पे रख दे जहाँ रोज आप इनको ना छुएं, ठीक है। कलश को भी और कलश के साथ में लक्ष्मी गणपति को, और रोज 108 बार ओम श्रृंग श्रीम नहीं श्रृंग ह्रिंग क्लिंग महालक्ष्मी नमः ओम, इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रृंग ह्रिंग क्लिंग महालक्ष्मये नमः ओम। 108 बोल रहा हूं लेकिन जितना आप कर सके उतना इसका जाप कीजिएगा, ठीक है। जिनको हवन करना है वो मधु से दशांश हवन कर सकते हैं, मतलब 5 माला का हवन, 5 से 6 माला का हवन दशांश में कर सकते हैं। आम की लकड़ी रखिएगा और त्रिभुज में आपका त्रिकोण में आपका हवन कुंड रहेगा, आम की लकड़ी रहेगी जिसमें गांठे ना हो, और आप मधु में घी मिला सकते हैं उसको जलाने के लिए, ठीक है। और मंत्र के अंत में जो है स्वाहा लगा लेंगे तो आप लोग हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनको
जिनको साधना का बेसिक सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें साधना का शुरुआती आयाम हम बताते हैं। जिनको मेरा आगामी कार्यक्रम जानना है, शिविर में आना है या मेरे द्वारा लिखे गए लेख पढ़ना है, वो www.aghortantrahasya.com पर जा सकता है। इसमें सारी जानकारियाँ मिलेंगी। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। महाभैरव आप सभी को सुख समृद्ध करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।